हेलो एवरीवन वेलकम टू गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल एंड दिस इज़ द लेक्चर सेकंड ऑफ सुपरा सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री सीरीज़ सो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक प्री ऑर्गेनाइजेशन एंड जो ये लेक्चर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ बोथ सेंट्रल बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ सो यू कैन रिकमेंड दिस वीडियोज़ फॉर योर सुपरामोलिकुलर चैप्टर इफ़ यू हैव इन यूअर सेमेस्टर सिलेबस ओके सो प्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले से ही ऑर्गेनाइज हों और हम ऑब्वियसली किसके ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं होस्ट मोलिक्यूल की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि गेस्ट मोलिक्यूल में तो चेंजेस लाना ऑब्वियसली मतलब उसमें चें वो तो एक छोटा सा गेस्ट मोलिक्यूल है आके बैठ जाएगा तो उस गेस्ट मोलिक्यूल के बेसिकली अभी घर तैयार करना किसका काम है होस्ट का अब अगर एक होस्ट मॉलिक्यूल पहले से ही प्री ऑर्गेनाइज होगा तो जब वो गेस्ट के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा सुपरा मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे सो इफ अ होस्ट मॉलिक्यूल डज नॉट अंडर गो अ सिग्निफिकेंट कॉन्फर्मेशनल चेंज अपॉन गेस्ट बाइंडिंग इट इज़ प्री ऑर्गेनाइज फॉर एग्जाम्पल जो मेरा क्राउन इथर है वो प्री ऑर्गेनाइज है ठीक है वो सिंपली गेस्ट आएगा वहाँ पे बैठ जाएगा लेकिन जो मेरा पोडेंट है जो कि असाइक्लिक होस्ट है वो प्री ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि जब उसको पता लगता है कि उसको बाइंडिंग करनी है तब वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं और तब वो गेस्ट के साथ बाइंड करते हैं तो होस्ट प्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेलेक्ट करने में जैसे आप किसी शॉप में जाते हो और आपको बोला किसी ने कि होस्ट खरीद के लाने हैं तो आपकी पहली जो चॉइस होगी आप बोलोगे सेल्समैन को कि मुझे ऐसा होस्ट दिखाऊँ जो प्री ऑर्गेनाइज हो और दूसरी आप बोलोगे कि ऐसा दिखाओ जो कॉम्प्लीमेंट्री हो ठीक है तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो प्री ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल फ्री एनर्जी होती है गेस्ट कॉम्प्लेक्शन गेस्ट कॉम्प्लेक्सेशन की वो आपकी फेवरेबल होती है देखो इन द लास्ट वीडियो इट सेल्फ आई हैड डिस्कस्ड विथ यू कि जो आपका होस्ट गेस्ट बाइंडिंग होती है वो दो स्टेप्स में होती है पहला स्टेप होता है कि आपका होस्ट खुद को तैयार करता है बाइंड करने के लिए गेस्ट के साथ और दूसरा होता है कि वो बाइंडिंग करता है तो अगर आपका होस्ट पहले से ही प्री ऑर्गेनाइज है तो वहाँ पे वो आपकी एनर्जी सेफ हो जाती है जो कि उसको खुद को ऑर्गेनाइज़ करने में इन्वेस्ट करनी पड़ती और इस वजह से आपके रिएक्शन जो होते है वो एनर्जीटिक एनर्जिकली फेवर फेवरेबल होती है और आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल बनता है सो तो ये था प्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसके बाद हम बात कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये है ये आपका पोडेंट है ठीक एस, है ये असाइकलिक है ये साइकिलक नहीं है फिर आपका ये क्राउन इथर है फिर आपके ये है और ये आपका स्फेरेंट है तो जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो प्री ऑर्गनाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है ये थोड़ा लूजली बाउंड है इसमें इतनी प्रॉपर अच्छे तरीके से बाइंड नहीं करेगा गेस्ट को ये साइकिल एक एरे फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे गेस्ट आ जाएगा ये और इंटैक्ट स्ट्रक्चर दे रहा है और ये तो बिल्कुल ही इंटैक्ट स्ट्रक्चर दे रहा है बिल्कुल सेंटर में घेर लेगा आपके गेस्ट को और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे जो लेवल ऑफ प्री ऑर्गेनाइजेशन है गेस्ट का वो इंक्रीज़ हो रहा है इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में क्रिप्ट एंड क्राउन थर्ड्स फेरेंट वगैरह के बारे में सो डोंट वरी अबाउट दैट उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पलेंटरीटी ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना देखो जब कॉम्प्लीमेंटरीटी का मतलब क्या होता है कि आपका होस्ट और गेस्ट एक दूसरे के लिए ही बने हो जैसे कि लोक एंड की एनालॉजी एनालॉजी आपने पढ़ी होगी एंजाइम से केस में कि एक लोक है तो उसके लिए सिर्फ वही की है जो उसको ओपन कर सकती है तो मतलब ये कह रहा है कि इस तरीके से आपका होस्ट और गेस्ट के बीच में इस तरीके से एक आ, कॉम्प्लीमेंट्रिटी होनी चाहिए मतलब अगर उनके करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक करेक्टर होना चाहिए दोनों का ठीक है तो इन ऑर्डर टू बाइंड अ होस्ट मस्ट हैव बाइंडिंग साइड्स दैट आर ऑफ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक करेक्टर मतलब सेम सी पोलरिटी हो हाइड्रोजन बोन डोनर एक्सेप्टेबिलिटी हार्डनेस और सॉफ्टनेस टू कॉम्प्लीमेंट विद गेस्ट ठीक है एंड होस्ट मस्ट हैव बाइंडिंग साइट्स विच कॉपरेटिवली कॉन्टैक्ट एंड अट्रैक्ट बाइंडिंग साइट्स ऑफ गेस्ट विदाउट जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग नॉन बोनेंट रिपल्शन तो कह रहा है कि होस्ट एंड गेस्ट के बीच में इस तरीके से इंट्रैक्शन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से उनमें आप बोल सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूचुअल कि रिपल्शंस ना हो और वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन वहाँ पर करें ओके उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ होस्ट एंड देयर सिंथेसिस कि हम होस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और फिर उनकी सिंथेसिस कैसे करते हैं वो समझेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने सुपरा सुप्रामिक्यूल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो क्लेथराइड्स एंड कैविटेट्स पढ़े थे हमने वो सुपरा मोलिक्यूल के क्लासिफिकेशन थे यहाँ पे हम होस्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो होस्ट को हम जनरली अगर ब्रॉडली देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इज असाइक्लिक होस्ट एंड सेकेंड इज मैक्रोसाइक्लिक होस्ट फर्स्ट इज एसाइक्लिक होस्ट एंड सेकेंड इज मैक्रोसाइक्लिक होस्ट ठीक है मैक्रोसाइक्लिक होस्ट को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जैसे कि हो गया क्रिप्टेंट हो गया और फेरेंट हो गया ठीक है और जैसे हम ऐसे अप टू डाउन मूव कर रहे हैं जो लेवल है प्री ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है इंटैक्ट स्ट्रक्चर का वो इंक्रीज़ होता जाता है एसाइकिलिक होस्ट को हम पोडेंट्स बोल देते हैं मैक्रोसाइकिलिक होस्ट में हमने हम जनरली तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं कोरेंट कोरेंट क्या होते हैं मोनोसाइकिल जिनमें सिर्फ एक ही रिंग होती है इसमें आपके क्राउन इथर आ जाता है ठीक है तो ये मोनोसाइकिलिक टू डी होस्ट होते हैं क्रिपटेंट की बात करूँ तो ये तो ये मैक्रो भी हो सकते हैं मैक्रोसाइकिलिक भी हो सकते हैं और ये थ्री डी होस्ट होते हैं जैसे क्रिप्टेंट आ गया ठीक है क्रिपटेंट टू 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 का आपने काफ़ी नाम सुना होगा उसके बाद आता है स्फेरेंट ये रिजिड थ्री होस्ट होते हैं ठीक है ये बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है तो इन सब के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये पोरेंट है आपका ठीक है ये आपका क्राउन इथर है ये आपका क्रिप्टेंट है उसके बाद हम बात करते हैं होस्ट की सिंथेसिस की सो पोरेंट होस्ट जो होते हैं उनको हम सिंपली कन्वेंशनल मेथड्स हैं जैसे कि इथर से या फिर सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं लेकिन जो आपके मैक्रोसाइकल्स की फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम इस चैप्टर में आपके दो प्रोसीजर्स की बन है फर्स्ट इज़ हाई डायल्यूशन सिंथेसिस एंड सेकेंड इज़ टेम्पलेट सिंथेसिस ठीक है तो होस्ट को हम हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ मैक्रोसाइकिल होस्ट एंड उसके लिए दो जनरलाइज प्रोसीजर्स आर गिवन इन योर बुक इन योर सिलेबस दैट इज़ हाई डायलुशन सिंथेसिस एंड टेम्पलेट सिंथेसिस एंड वी विल रीड ईच ऑफ ईच ऑफ देम वन बाई वन तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई डायलुशन सिंथेसिस की देखो हाई से मेरा मतलब है कि मैंने जो मेरे दो रिएक्टेंट्स हैं फॉर एग्जांपल मेरा ए रिएक्टेंट है मेरा बी रिएक्टेंट है और इन दोनों को रिएक्ट करके मैं बनाऊंगी अपना होस्ट तो ठीक है जैसे क्राउनथर की बात करें तो क्राउन क्राउनथर में क्या होते हैं जनरली सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह यही आइटम्स यूज़ होते हैं जनरली तो ठीक है तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई रिएक्टेंट ले लूँगी और उनको रिएक्ट करा के मैं होस्ट बनाऊँगी ठीक है तो हाई डाइल्यूशन से मेरा मतलब है कि मैंने रिएक्टेंट्स की तो अमाउंट कम ली है स्मॉल अमाउंट्स ली है और उनको बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट की वॉल्यूम में डाल दिया है मतलब डाइल्यूटेड लिया है ठीक है और रिएक्टेंट्स को मैंने अलग अलग रखा है सेपरेटली रखा है उनको धीरे धीरे मैं कॉन्स्टेंट स्टेरिंग के साथ ऐड कर रही हूँ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम रिएक्टेंट्स को सेपरेटली क्यों रखते हैं सेकेंड हम स्लोली स्लोली विद स्टेयरिंग क्यों ऐड कर रहे हैं और हमने डायल्यूटेड क्यू लिया हमने कंसनट्रेटेड क्यू नहीं लिया देखो यहाँ पे हमारा जो सोल ऑब्जेक्टिव है जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ होस्ट ठीक है अब ऐसा हो कि मैंने इस कंटेनर में ए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ले ली तो इतनी कंसंट्रेटेड हो गई कि ए ए खुद ही आपस में रिएक्ट करके पोलिमराइज हो जा रहे हैं इंस्टीड ऑफ फॉर्मिंग होस्ट ठीक है या फिर बी लिया मैंने तो बी में भी वही सेम चीज़ अगर मैंने बहुत कंसनट्रेशन ले ली तो बी की मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके क्या हो जा रहे हैं पोलीमराइज हो जा रहे हैं इंस्टीड ऑफ फॉर्मिंग द मैक्रोसाइकिल ठीक है इंस्टीड ऑफ फॉर्मिंग द होस्ट और अगर मैंने ए और बी को मिक्सअप कर दिया तो हो सकता है ये कुछ और ही बना दें ठीक है तो इसीलिए हम इनको डाइल्यूट लेते हैं और इसलिए हम कंसनट्रेशन कम लेते हैं और इनको डिफरेंट कंटेनर में रखते हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू फॉर्म द मैक्रोसाइकिल और ये चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है इफ़ कंसन्ट्रेशन इज मोर एंड रिएक्टेंट्स कीप इन कैप्ट इन सेम कंटेनर सो पोलियमराइजेशन मे टेक प्लेस इंस्टीड ऑफ मैक्रोसाइकल्स फॉर्मेशन सो दिस इज़ द रीज़न उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे कि आपका अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो दो एक्स वाई के आपको यूनिट्स दो यूनिट्स देखने को मिल रही है एक ये और एक ही जब दो यूनिट्स हैं मतलब कंसेंट्रेटेड है तो यहाँ पे क्या कर रही है पोलीमराइज हो जा रहे हैं ठीक है थेके? और यहाँ पे जब डायलूटेड था मतलब कम अमाउंट थी इस एक्स वाई की तो यहाँ पे साइकलाइजेशन कर रहे हैं ठीक है थेके? तो इसीलिए हम आपको डायल्यूशन करते हैं ओके सो सेकेंड मैथड इज़ टेम्पलेट सिंथसिस टेम्पलेट सिंथसिस हम बेसिकली क्या करते हैं हम टेम्पलेटिंग स्पीसीज का यूज़ करते हैं टेम्पलेटिंग स्पीसीज को बेसिकली एज अ कैटेस्ट समझ सकते हो सो दिस इन्वॉल्वस द यूज़ ऑफ टेम्पलेटिंग स्पीसीज सच एज मेटल आयन्स टू इंड्यूस साइकलाइजेशन। तो बेसिकली साइकलाइजेशन कराने के लिए हम टेम्पलेटिंग स्पीसीज का यूज़ करते हैं दैट टेम्परेटिंग स्पीसीज मोस्टली आर मेटल ठीक है सो so, टेम्पलेट क्या करता है बेसिकली आपके रिएक्शन के जो आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करता है ताकि वो इफेक्टिवली बाइंड करके जो हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें चाहिए जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाए और जो फॉर्मेशन होती है ऑफ़ मैक्रोसाइकिल्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेम्पलेट इज़ नोन एज टेम्पलेट इफेक्ट तो इसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट इफेक्ट तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये हमारे रिएक्टेंट्स थे जब ये रिएक्टेंट आपस में मिल इन्होंने क्या किया पोलीमराइजेशन कर लिया और हमने एक यहाँ पे टेम्पलेटिंग स्पीशीज़ यूज़ किए पोटेशियम कार्बोनेट को यहाँ पे हमने यूज़ किया है तो यहाँ पे देखो आपका साइकलाइजेशन हो गया और आपको यहाँ पे क्राउन इथल की फॉर्मेशन हो गई जबकि यहाँ पे जब हमने कोई टेम्पलेटिंग स्पीशीज़ यूज़ नहीं की तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अमीन्स हैं और यहाँ पे पोलीमराइजेशन हो गया तो बेसिकली जो यूज़ होता टैम्पलेटिंग स्पीशीज़ का वो हम क्यों करते हैं ताकि जो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाए अब हम टैंप्लेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक्जो टैम्पलेट्स एंड एंडो टैम्पलेट्स सो एक्जो टैम्प्लेट्स मतलब जो हम एक एक्सटर्नल टैम्पलेट यूज़ करते हैं जैसे कि मेटल आइंस वगैरह हो गया ठीक है और जो मेटल आइंस हम यूज़ करते हैं वो टेम्प्रेरी सेंटर के एक्ट करते हैं मतलब कि फाइनल स्टेप पर हम उसको रिमूव कर देते हैं मतलब कि अगर हमने पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ किया सपोज़ करो ठीक है एज एन टैम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्राउन इथर तो इन द लास्ट स्टेप हम उस पोटेशियम कार्बोनेट को रिएक्शन से रिमूव कर देंगे क्योंकि ओवरऑल जो हमारे क्राउन इथर उसमें तो कहीं पोटेशियम आपको देखने को मिलता नहीं, Carbon, Oxygen, नहीं है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही होते हैं ना तो एक्सो टेम्प्लेट्स बेसिकली दोस्ट टैम्पलेट्स जो हम इसको एक्सटर्नल यूज करते हैं जैसे कि आयंस वगैरह हो गया और एंडो टैम्पलेट क्या होते हैं जब खुद ही होस्ट एक्ट करता है एज एन टैम्पलेट ठीक है जैसे कि आपकी छोटी रिंग है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी छोटी रिंग है तो ये होस्ट ही खुद को इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करके बड़ी रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो मतलब जो आपका होस्ट इट सेल्फ एक्ट करता है एन टेम्पलेट तो उसको हम बोलते हैं एंडो टेम्पलेट सो तो यहाँ पे आप आई थिंक टेम्पलेट्स अंतर से समझ में आ गई होगी अब हम बात करेंगे पोडेंट्स की तो पोडेंट्स आप सभी को पता है पोडेंट्स आर एसाइक्लिक होस्ट जिन विद पेंडेंट बाइंडिंग साइट्स आर टर्म डेस्ट पोडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये आपके पोडेंट का एग्जाम्पल है तो ये कुछ पेंडेंट जैसा नहीं लग रहा है ठीक है तो असाइक्लिक होस्ट होते हैं आपके जिसमें जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो पेंडेंट टाइप होती है और इसलिए हम इसको पोडेंट पौन्देंट, पोडेंट्स बोलते हैं सो सिंपलेस्ट पोडेंट जो अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होते हैं क्राउन इथर के असाइक्लिक एस, एनालोगस होते हैं जैसे क्राउन इथर आपका ऐसे होता है ठीक है तो उसके जो असाइकिलिकानोगस है वो सिंपलेस्ट पोडेंट्स होते हैं एक चेन सी होती है अब ऑब्वियसली बात है आपके पोडेंट होस्ट जो हैं वो प्री ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है विद द गैस तो इनकी जो एफिनिटी होती है टुआर्ड्स के या टुआर्ड्स गैस्ट वो कम होती है अगर हम साइक्लिक एनालोग से कंपेयर करें तो रीज़न बिकॉज इनमें प्री प्रियनाइजेशन नहीं होता है ठीक है ये सब बात करेंगे लेकिन इनमें एक चीज़ होती है दैट इज़ फ्लैक्सीबिलिटी ठीक है तो पोडेंट्स के अंदर ऑब्वियसली बात अगर ऐसे फ्री हैं तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी का एक पॉजिटिव रीजन ये होता है कि बिकॉज ऑफ दिस फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी दे कैन अरेंज देयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू अलॉट ऑफ गैस साइज जैसे कि क्राउन इथर है ठीक है सपोज मैं एटीन क्राउन सिक्स की बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ पोटेशियम के लिए ही सिलेक्टिव है या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए सिलेक्टिव है बिकॉज उसका कैिटी जो है वो फिक्स है लेकिन पोडेंट्स की बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैक्सीबल नेचर ये होता है कि अपने साइज को अपने मोलिक्यूल को अपने स्ट्रक्चर को रिओर्गेनाइज कर देता है अकॉर्डिंग टू द गैस ही है दिस इट हैज टू बाइंड ये पॉजिटिव इम्पेक्ट यहाँ पे है इसका ठीक है एंड इफ द पोडेंट इज टर्मिनेटेड बाईट फंक्शनलिटी जैसे कि एराइल एस्ट्रामाइड बाइंडिंग इज इनहेंड बाई द एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन टू द पोडेंट होस्ट बाई द रिजिडिफाइंग एंड ग्रुप और कह रहे हैं अगर हम पोडेंट पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते हैं इन इट्स साइड चेन्स उसके एंड में तो एक तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई दूसरा उस रिजिड ग्रुप जो उस ग्रुप हमने अटैच किया उसकी रिजिडिटी तो ये काफी सारे फैक्टर्स मिलके पोडेंट्स को एक इफेक्टिव होस्ट बना देते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्राउन इथर सो क्राउन इथर कॉरेंट कैटेगरी में आता है एज यू नो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट अपीलिंग माइक्रोसाइकलिक लिगेंट्स क्राउन इथर के बारे में सभी ने सुना होगा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर होस्ट है दैट इज क्राउन इथर दिस इज दिस क्राउन इथर इज होस्ट फॉर बोथ मेटेलिक एंड ऑर्गेनिक कटाइन और बेसिकली सिम्पलिक साइकिल कैरे होते हैं ऑफ इथर ऑक्सीजन एटम्स लिंक्ड बाई सी एच टू सी एच टू यूनिट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्राउन इथर्स और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सी एच टू सी एच टू यूनिट्स प्रेजेंट हैं जहाँ जो बाइंड कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और एक एक कैविटी फॉर्म कर रही हैं ठीक है सो दिस इज़ ट्वेल्व क्राउन फोर दिस इज़ फिफ्टीन क्राउन फाइव एंड दिस इज़ एटीन क्राउन सिक्स तो इनका नोमिन क्रेचर कैसे है बेसिकली एटीन इज़ शोइंग द नंबर ऑफ एटम्स दैट अ क्राउन इथर है यहाँ पे आप जितने अगर आप एटम्स को काउंट करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो एटम्स हैं कार्बन ऑक्सीजन के वो यहाँ पे एटीन है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सो दिस एटीन इज शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऐटम्स इन यूअर क्राउंड इथ एंड सिक्स इज शोइंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम ठीक है द सेम इज़ इन द केस ऑफ फिफ्टीन क्राउंड फाइव एंड ट्वेल्व क्राउंड फोर एंड जितना इनका साइज होता है अकॉर्डिंग टू द साइज दे दे टूक एंड पर्टिकुलर गैस्ट इन साइड दैट क्रैविटी सो जो साइज़ होता है ट्वेल्व क्राउंड फोर का दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर लिथियम फिफ्टीन क्राउंड फाइव का दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर सोडियम एंड एटीन क्राउंड सिक्स का दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर पोटेशियम एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर गैस आर सेलेक्टिव फॉर द गैस दैट विद विच दे विल बाइंड ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है क्राउंड थर्स के ये आप देख सकते हो ठीक है एंड डोमिक क्वेचर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिया कि नाम आप कैसे देते हो क्राउन इथर को उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ क्राउन इथो सो क्राउन इथर वो सिंथेसाइज बाय पैडरसन एंड ही डिस्क्राइब टोटल सिक्स डिफरेंट मैथड्स फॉर द क्राउन इथर सिंथेसिस तो बेसिकली यहाँ पे जो भी रिएक्शंस मैंशन है ये सभी विलियम्स एंड एथर सिंथेसिस के की रिएक्शंस हैं ठीक है एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ओलीगोइाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे रिएक्शन रेक, कर रहे हैं ठीक है ठेके? सो so, यहाँ पे टर्मिनल में आपको दो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं और यहाँ पे ये आपके कार्बन चेन है ठीक है और ये आपके जो आर और एस है यू है ये सभी क्या है ये भी आपके कार्बन चेन से हैं और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो बेसिकली अगर आप ए और बी ठीक है तो अगर जो जितने भी आजकल हम न्यू क्राउनीटर्स बना रहे हैं वो हम जनरली ए एंड बी जो प्रोसेसेस मेंशन है उसका यूज़ करके बना रहे हैं यहाँ पे ठीक है जब सबसे पहले क्राउन इथर बनाया था पैडरसन ने वो किसका यूज करके बनाया था सी जो आपकी जो ये वाली मैथड है इसका यूज करके बनाया था ठीक है लेकिन आजकल मोस्टली ए और बी का यूज़ करते हैं ए और बी प्रोसेस का यूज़ करते हैं क्योंकि उनसे जो येल्ड होती है वो ज़्यादा मिलती है ठीक है तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्राउन इथर को हम विलियमसन इथरसेंथसेस के थ्रू बनाते हैं ये आप यहाँ पे रिएक्टेंट देख लेंगे कि हम रिएक्टेंट क्या यूज कर रहे हैं और सिंपली उस तरीके से आप अपने क्राउन थर सिंथेसिस कर सकते हैं ओके उसके बाद हम बात करते हैं लेरिएट इथर की सो ये भी क्राउन टाइप मैक्रोसाइकली होते हैं लेकिन इनकी पोडेंट साइड आम होती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्राउन इथर उस पर एक पोडेंट साइड आर्म रखी उस पर एक असाइकलिक साइड आर्म अटैच है तो इसको आप बोलते हैं लेरियर इथर तो बेसिकली यहाँ पे देखो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया एक तो पोरेंट साइड चेन की फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा मैक्रोसाइकिल की रिजिडिटी सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायर रिजिडिटी एंड प्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रोसाइकिलिक कंपाउंड्स विद एडिशनल स्टेबिलिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ पोड साइड चेन सो ये आपके लेरियर टेथर का है सो हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ लेरिट इथर यहाँ पे आपको माइक्रोसाइकिल दिख रहा है और यहाँ पे आपको असाइकिलिकेन दिख रही है सिंथेसिस जो है लेरिट इथर्स की या फिर जो हम आगे पढ़ेंगे उनकी दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट इफ़ यू वॉन्ट टू सी तो यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में वो लिखती है वो आपसे देख सकते हैं ओके okay. उसके बाद हम बात करते हैं बाई ब्रेकल लेरिट इथर की जिसको बाइबल भी बोलते हैं इन शॉर्ट ठीक है सो दिस इज क्राउन टाइप मैक्रोसाइकिल विद टू पोड एंड साइड आर्म्स दस इज डिस्प्लेंग मोर थ्री डी बाइंडिंग कवरेज ऑफ मेटल एंड गैस सरफेस तो इसमें बेसिकली क्राउन के दो पोडेंट साइड आर्म्स लग जाती हैं लेरेट इधर में एक थे यहाँ पे दो लग जाती हैं बाई से आप उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये क्राउन इधर है सॉरी ये आपका मैक्रोसाइकिल है एंड यहाँ पे आपके दो साइडर्म्स अटैच हैं ठीक है सिंपली वांट टू सी द सिंथेसिस यू कैन सी इन द स्लाइड दैट इज नॉट इन अलेबस ऑल दो उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टेंड की सो so, क्रिप्टेंड इज बेसिकली थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राउन इथ एंड ये काफ़ी प्री होता है और जो कैविटी होती है वो काफ़ी इंटैक्ट एंड रिजिड होती है सो so, द की टू द ड्रामेटिकली इन्हेंस्ड मेटल कटाइन बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ क्रिप्टेंट्स ओवर क्राउन इथर्स इज द प्री ऑर्गेनाइज थ्री डी नेचर ऑफ देयर कैविटी तो जो क्रिप्टेंट की कैविटी होती है वो थ्री डी होती है प्री ऑर्गेनाइज होती है इंटैक्ट होती है जिससे कि जो मेटल आयन है वो बहुत ईजिली बाउंड होता है और दैट्स वाई जो क्राउन इथर से भी अच्छी बाइंडिंग है वो क्रिप्टेंट करते हैं और सिंपल वर्ड्स में कहें तो कई बार आप बोल देते हो कि जो थ्री डी रिप्रेजेंटेशन है मतलब कि थ्री डी एनालोगस है क्राउन इथर का दैट इज क्रिप्टेंट उसके बाद हम बात करते हैं स्फेरेंड की ओके सो अब हम स्फेरेंड की बात करें तो स्फेरेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा हमने जितने भी बात किए जितने भी कटाइन बाइंडिंग होस्ट के अभी तक बात की है उनमें सबसे ज़्यादा प्री ऑर्गेनाइज होते हैं ये थ्री डी थ्री डी इनका जो इफेक्ट होता है वो थ्री डी होता है और ये बिल्कुल जो इनकी बाइंडिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड रिजिड होस्ट होते हैं विद बाइंडिंग साइड्स कन्वर्जिंग एट सेंटर आपको स्ट्रक्चर देख के पता लग रहा होगा कि कितने रिजिड हैं कितने इंटैक्ट हैं कितना ये थ्री डी दे रहे हैं इनकी जो कैविटी है वो कितनी इंटैक्ट है कितना स्ट्रॉन्गली ये बाइंड करेंगे गेस्ट के साथ ठीक है तो ये है आपके यहाँ फेरेंट और सबसे ज़्यादा प्री ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं कैविटेंट्स क्राउन उथर वगैरह उन सबसे ज़्यादा ये स्टेबलाइज होते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं अब यहाँ पे साइज सेलेक्टिव बाइंडिंग ऑफ कॉरेंट्स को आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो कॉरेंट्स होते हैं वो साइज सेलेक्टिव होते हैं अपनी जो कैविटी के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करते हैं कि किस कि पर्टिकुलर एटम को किस पर्टिकुलर गेस्ट को ये अपनी कैविटी में फिट कर सकते हैं यानी यहाँ पे देखिए ट्वेल्व क्राउन फोर ने लिथियम को फिट कर रखा है फिफ्टीन क्राउन फाइव ने सोडियम को कर रखा है एटीन क्राउन सिक्स ने पोटेशियम को कर रहा है ठीक है ट्वेंटी वन क्राउंड सेवन ने रुबाइडियम को कर रखा है ट्वेंटी फोर क्राउंड एट ने सीजियम को कर रखा है ठीक है थीके? तो यहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हैं और ये आपका क्रिप्ट का एग्जाम्पल है एंड ऐसा नहीं है कि जो आपके ये कैटाइन होस्ट हैं ये सिर्फ आपके मेटल कैटाइन्स को ही एज अ गेस्ट एक्सेप्ट करते हैं ये ऑर्गेनिक कैटाइन्स के साथ भी लाइक अमोनियम वगैरह के साथ भी बाइंड करके आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच